एक यूनिक रेसिपी आज हम धवज की रसोई से लेके आए हैं दोस्तों। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। ये हमने बेसन की सब्जी बनाई है, तो इस तरीके की बेसन की सब्जी बनाने के लिए, इसकी विधि जानने के लिए, रेसिपी जानने, वीडियो एंड तक देखना। और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो ये हमने बनाई, किस तरीके से बनाई, कैसे बनाई, इसमें क्या क्या सामान यूज़ करा हमने, वो सब हम आपको बताएंगे। और ये वैसे हमने जो घर में हमारे सामान होता है ना, रेगुलर हम जो यूज़ करते हैं, हमने उसी में से बनाई है। और ज़्यादा कुछ नहीं लिया है इसमें, सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस तरीके की रेसिपी बनाना। कढ़ाई रख ली गैस पर, अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। लेंगे हम रिफाइंड ऑयल है, आप चाहे तो बटर या घी से भी इस बघार दे सकते हैं। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, तो हमने है ना 1 टीस्पून के करीब जीरा लिया है, 1 टीस्पून के करीब हमारी सरसों है, और 1/2 टीस्पून के करीब खड़ी मेथी है, मेथी दाना। तो इनको तीनों को ऐड करेंगे हम और अच्छे से पका लेंगे इनको। ये ना वैसे तो बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन है यूनिक, चटपटी सी, और हर घर में जो सामान रहता है ना उसी में बन जाती है, और बनती भी बहुत आसान। गर्मियों में ना महंगी सब्जी मिलती है और बहुत ही कम मिलती है, तो इस तरीके की सब्जी घर में जो सामान होते हैं ना उसी से बन जाती है। तो आप ज़रूर ट्राई करिए ये सब्जी को भी। और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। हम प्याज से और बेसन से बनाएंगे यूनिक चटपटी सी रेसिपी। तो चलिए हम प्याज ऐड कर अच्छे से पका लेंगे। इसमें हम मिर्ची ऐड करेंगे, 2 से 3 कटी हुई हमारी मिर्ची, दोनों को साथ ही पका लेंगे। मेरी प्याज मिर्ची गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब धना पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसको पका लेंगे। हमारी ना लहसुन की 10 से 15 कलियाँ थी, उसको हमने इस तरीके दोच के इसको अब ऐड करेंगे, जब हमारा अच्छा आएगा और यूं नहीं तो इसलिए हमने बाद में ऐड करा। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, पक चुका हमारा मसाला तब हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, इसको भी पकेंगे। हमारे 2 बड़े टमाटर लाल वाले देसी कटे हुए हैं, उनको ऐड करेंगे और इनको भी पका लें। मसाला हमारा पक रहा है, तब तक के लिए हम बेसन का और घोल बना लेते हैं। इसके लिए घोलेंगे, बैटर बनाएंगे बेसन का। तो इसमें हमने 1 कटोरी बेसन लिया है, हम 1 कटोरी बेसन से ही बनाएंगे। पूरे परिवार हमारा 6 से 7 सदस्य है, उन सब के लिए 1 कटोरी बेसन में ही ये हमारी रेसिपी यानी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी और सब पेट भर के खाएंगे इसे। हमने 1 चुटकी हींग ली है, उसको ऐड करेंगे हम बेसन में, और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी है उसको भी बेसन में ऐड करेंगे और इसका बैटर बना लेंगे, घोल बना लेंगे। इसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम घोल बना लेंगे। और ये हमने कस्तूरी मेथी ऐड करी ना, उसका फ्लेवर इसमें एक अलग सा आएगा और बहुत ही यूनिक लगेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा, इसलिए हमने इसमें बेसन में कस्तूरी मेथी ऐड करी है, बघार में नहीं। और हींग भी इसी में ऐड करा हमने, और बेसन में तो हींग लेना ही चाहिए, ये पाचक के लिए अच्छी होती है। तो इसका हमने बैटर बना लिया है, दिया बेसन का इस तरीके से। 1 कटोरी बेसन में 1 गिलास पानी ले लिया हमने, नाप याद रहे, 1 गिलास पानी और 1 कटोरी बेसन, और इसका हमने अच्छा सा बैटर बना लिया और मसाला भी हमारा पक चुका है। और हम इसमें ये घोल ऐड करेंगे जो हमारा मसाला पका है उसमें, इस तरीके से, और इसे को पका लेंगे हम अच्छे से। अगर आपको ग्रेवी वाला ही चाहिए इसकी सब्जी तो आप 1/2 गिलास पानी ऐड और कर सकते हैं, और इसको मध्यम आंच में ही पकाना है। ज़्यादा गैस तेज आंच में पकाओगे तो ये बेसन है चिपक जाएगा, नीचे जल जाएगा। ऐसे हम पका लेंगे, 2 से 3 मिनट लगेगा। इसको हम मिलाते हुए सारे मसाले मिक्स कर देंगे बेसन में, और इसको ढक के पकाएंगे हम। ढककर भी इसे पकाना तो एक दो मिनट के करीब इसको चाल दिया करें, चला दिया करें, नहीं तो ये चिक जाएगा। तो इसको हम पकाएंगे 1 मिनट, फिर चलाएंगे इसको। 1 मिनट में इसमें उबाल आ जाती है, तो इसको हमें ढककर ही पकाना है, नहीं तो ये उछटेगा तो हमारी गैस भी ख़राब हो जाएगी, और हमारे ऊपर उछटेगा तो हमें इसे जल भी सकते हैं हाथ पे। तो इसे हम ढक के पकाएंगे,
और हाँ, जब तक इसमें उबाल ना आए ना तब तक चलाते ही रहना, नहीं तो इसमें गुजी पड़ जाती है, वो अच्छी नहीं लगती और लगती भी नहीं। तो इसको हम पका लेंगे ढककर, इसको ढक देते हैं हम इस तरीके से। और हमें इसे डालना पड़ता है बार बार, क्योंकि बेसन ही चिक जाएगा, तो इसे हर 10-30 मिनट के अंदर अंदर इसे डालना है, चलाना है और चलाते हुए पकाना है, पर ढक के पकाना है, क्योंकि इसमें पानी है, बेसन है, तो ये उछटेगा, बेसन हमारे अक्सर उछटता है, इसे ढककर ही पका। और इसे देख लेते हैं हम, हमने है ना बार बार इसे चलाते हुए पकाया है, 2-3 मिनट हो गए इसको पकते पकते। तो देखते हैं हमारी बेसन की सब्जी ने पकी के ऑयल ना छोड़ दे, देखिए इन्होंने इसने ऑयल छोड़ दिया ना, तो ये परफेक्ट पक चुकी है। अब इसमें हम हरी धनिया के पत्ते ऐड करेंगे और अगल बर्तन में निकाल लेंगे इसको, और इसे चावल के साथ चपाती, पूड़ी, पराठे किसी के भी साथ खा सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है और यूनिक है। हमारे घर पर हमेशा इस तरीके की सब्जी बेसन की बनती है दोस्तों, इसे आप बेसन की करी बोल सकते हो या बेसन की सब्जी बोल सकते हो या बेसन ही बोल सकते हो। ये हमने प्याज बेसन की सब्जी बनाई है, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगे। और इसको हमें खानी, तो चावल के साथ खाते हो तो इसको है ना एक गिलास पानी और ऐड कर दीजिए, हमने हमको इतनी ही चाहिए थी, हम चपाती के साथ रोटी के साथ खाएंगे इसको, तो हमने इस तरीके से बनाई, इतनी थिकनिंग वाली बनाई गाढ़ी। आपको किसी किसी को पानी वाली सब्जी ग्रेवी वाली पसंद है तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों कि तब भी हम बेसन की कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना, तो बेसन तब तक ही पकने दे तब तक कि ऑयल ना छोड़ दे, किनारे पे ऑयल ना आ जाए। देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया तो ये परफेक्ट पक चुका है, तो ये विशेष ध्यान रहे। और अगर आपको ये नीचे चिकने लगे या गाढ़ा हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, और इसे हम निकाल लेंगे अगल बर्तन में। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बेसन प्याज की सब्जी एकदम तैयार है खाने के लिए, और ये बहुत ही टेस्टी बनी है दोस्तों। और आपने वीडियो एंड तक देखा उसके लिए धन्यवाद। हम आपको बताते हैं कि इसको किस तरीके से खाई जाती है बेसन दही, घर में नॉर्मल बनती है। इसको ये देखिए एकदम परफेक्ट बनी है हमारी बेसन प्याज की सब्जी, तो हम आपको एक बाइट करके बता रहे हैं। और इसका टेस्ट ना बहुत ही यूनिक है दोस्तों और बहुत ही अच्छा है, तो आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिए, इसको बहुत ही अच्छी है।